पवन सिंह जी से मिले तो क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत क्या हुआ, मतलब बड़े भाई हैं, मिले तो वही प्यार स्नेह मिला, बात विचार हुआ। पवन सिंह जी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल जी भी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी दोनों अगर सांसद का चुनाव लड़ जाते हैं तो अवधेश प्रेमी यादव जी किन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे, पवन जी को या खेसारी जी को? पवन सिंह भी हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि सभी मेरा भाई जीते। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल यादव जी यादव हैं और अवधेश प्रेमी यादव जी यादव हैं इसलिए खेसारी भैया के पास ही सबसे पहले पहुंचे? ऐसा कुछ नहीं है, यादव हैं, खेसारी जी यादव हैं, तो पवन सिंह भी वो भी बड़े भाई हैं। अवधेश प्रेमी यादव जी इतना प्यारा गाते हैं कि लगभग आपके तो लाखों नहीं करोड़ों में चाहने वाले हैं, तो चाहेंगे पवन सिंह जी के लिए चुनाव पर एक गाना दो लाइन। चुनाव पर हम क्या गाना गाएं? अरे दाए भोरी बाए के हिले तो लागे बेटर, है तोर दोनों इंडिकेटर, है तोर दोनों इंडिकेटर, है रे दोनों इंडिकेटर, तेरे दो दो इंडिकेटर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर हमारे साथ अवधेश प्रेमी यादव हैं। भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी हार्दिक स्वागत, अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं? भैया हम भी बहुत अच्छे हैं, आज दिल्ली में शूटिंग हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे गाने का शूटिंग हो रहा है, कब हमारे ऑडियंस को जो है देखने को मिलने वाला है? देखिए आज हम लोग शूट कर रहे हैं लोकगीत, एक गाना था और एक कंपनी लॉन्च हो रही है, नया चैनल बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च हो रही है, बजाओ भोजपुरी, इसी चैनल का एक गाना हम लोग शूट कर रहे थे, दिल्ली में भी शूट कर रहे थे और बहुत बड़े लेवल का गाना है और मतलब एकदम हट के गाना और ऑर्केस्ट्रा स्पेशल गाना है। भैया इतना प्यारा ये गाना है, इतना प्यारा ये गाना है कि ऐसा लग रहा है कि 2024 का ये सबसे बड़ा गाना इस लगन का होने वाला है। एकदम भरपूर प्यार आशीर्वाद मिलेगा दर्शकों का और बड़े लेवल पे काम हो रहा है और इस गाने को हम लोग बड़े लेवल पे लॉन्चिंग करेंगे पटना में। सारे जितने भी क्रिएटर लोग हैं, हमारे भाई जितने भी रील्स बनाने वाले, सभी के साथ एक साथ मिलन समारोह होगा और अवधेश प्रेमी यादव पटना में पहली बार गाने का इवेंट करेंगे। हम लोग तो अब दिल्ली हमने के मतलब वो हो गए बा, तो पटना में भी पहली बार हमने करेंगे जा और जितना भी हमारे भाई लोग जितने भी बनाने वाले हैं क्रिएटर जितने भी रील बनाते हैं सभी के साथ एक साथ मिलकर पटना में इस गाने को हम लोग लॉन्च करेंगे बड़े लेवल पे और ये कंपनी जो लॉन्च हो रही है बड़े लेवल पे लॉन्च हो रही है बजाओ भोजपुरी। आशा न पूर्ण विश्वास हुआ कि ये गाना के बड़ी प्यार आशीर्वाद मिले आप सबसे। भैया एक समय था 2018, उस समय पे अवधेश प्रेमी यादव एक ऐसा नाम था जो समझिए कि पवन खेसारी को भी पानी पिला करके रखे हुए थे, उस टाइम में उनका भी चलती नहीं चल रहा था जितना अवधेश प्रेमी जी का चलती चलता था। ये सब पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है और बात उन दोनों भाई का है तो लोग ऐसा नहीं है, कुछ सब बड़े भाई हैं हमारे और कहीं ना कहीं। एक बार आप खेसारी लाल यादव जी से मिलते हैं पिछले साल होली में, इस बार पवन सिंह जी से मिलते हैं, पवन सिंह जी से मिले तो क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत क्या हुआ, मतलब बड़े भाई हैं, मिले तो वही प्यार स्नेह मिला, बात विचार हुआ। हम लोग अब यहीं पे बगल में ही शूट कर रहे थे, उनका भी शूट चला था होली का, तो प्रियांशु एक भाई है मेरा म्यूजिक डायरेक्टर, अभी मतलब हम लोग शुरू से ही काम किए साथ में मिलजुल कर, तो भाई का फोन आया कि हम भी शूटिंग करा था नहीं बगल में, तो हम बोले ठीक है हम पैकअप करके पहुँचे, तो पहुँचे भाई से मुलाकात वुलकात हुआ सभी भाई से, बस यही सब बात विचार। भैया ये प्रियांशु सिंह जी के जीवन का सबसे बड़ा गाना आप ही का हुआ था, गेहूँ और के बानी फिलहाल की लाइन मत मारा ऐसे करके जो गाना था। हम लोग जब मुलाकात हुआ, जब रिलेशनशिप हुआ भाई से, तो शुरू से ही हम लोग काम किए, मतलब बहुत सारा गाना हम लोग बनाए और गाना बनता था ना, जैसे हम लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल पे म्यूजिक बनाते थे रात रात पे म्यूजिक वीडियो कॉल पे, जब तक मतलब वीडियो कॉल नहीं होता था जब तक म्यूजिक नहीं बनता था, मतलब रात रात पर जाके, तो ऐसे करते करते बहुत गाने हम लोग किए और ये गाना ब्लॉकबस्टर रहा, मतलब 10-15 दिन में 70-75 मिलियन 100 मिलियन पार हो गया एक महीने। तो भाई का भी, हाँ भाई का भी जीवन का सबसे पहला गाना रहा मिलियन और मेरा भी उस गाने से बहुत पहचान मिला और भाई भी, और इतना मेहनत करके, बहुत मेहनती आदमी है वो प्रियांशु भाई, और यहाँ तक पहुँचे, और भाई को हमेशा मेरा मतलब आशीर्वाद और दुआ यही करता हूँ कि भाई तुम और आगे बढ़ो और यहाँ तक मेहनत करके भाई बढ़ा है यहाँ तक। भैया अभी हाल ही में देख रहे हैं कि चुनावी दौर चल रहा है, पवन सिंह जी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल जी भी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी दोनों अगर सांसद का चुनाव लड़ जाते हैं तो अवधेश प्रेमी यादव जी किन को सपोर्ट करने के लिए पहुँचेंगे, पवन जी को या खेसारी जी को? देखिए सबसे पहले हम लोग भोजपुरी में एक समान हैं, एक साथ हैं और भोजपुरी के सभी मेरे भाई हैं, बड़े हो छोटे जो भी हैं, तो अगर दोनों आदमी खड़े होंगे तो हम तो भाई जो हमको बुलाएंगे दोनों के तरफ, मतलब हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि सभी मेरा भाई जीते, सभी भाई विजयी हो, मतलब सपोर्ट तो ऐसा नहीं कि एक तरफा, सभी भाई हैं, बड़े भाई हैं वो लोग,
तो बस यही कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल यादव जी यादव हैं और अवधेश प्रेमी यादव जी यादव हैं इसलिए खेसारी भैया के पास ही सबसे पहले पहुंचे? ऐसा कुछ नहीं है, यादव हैं, खेसारी जी यादव हैं तो वो भी बड़े भाई हैं, पवन सिंह भी, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग सभी एक परिवार हैं, वो भी बड़े भाई हैं, और भी बड़े लोग जितने भी हमसे बड़े हैं वो बड़े भाई हैं, जितने भी छोटे सब तो भाई हैं हम लोग। यानी कि अवधेश प्रेमी जी साफ शब्दों में बस यही कहना चाहते हैं कि पवन सिंह जी भी जीते और खेसारी लाल यादव भी जीते। हमारा कहने का मतलब जो हम लोग को बुलाएंगे ना उनके एकदम सपोर्ट हम लोग करेंगे, दोनों भाई के लिए खड़े हैं एकदम। अच्छा भैया, अभी हाल ही में एक से बढ़ के एक गाने जो है लेकर के आ रहे हैं, अभी हाल ही में होली का गाना जो है आपका खूब ट्रेंड कर रहा है। भतीजवा का मौसी गाना आया हुआ है आरसीए म्यूजिक से, जो रील पे भी बड़ी ट्रेंड कर रहा है और डेढ़ लाख से ऊपर इस गाने को मतलब रील बन गया है और YouTube पे भी लगभग 4 मिलियन अभी क्रॉस होने वाला है और इस गाने को बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद मिला, जितने भी हमारे भोजपुरी समाज, जितने भोजपुरी दर्शक है सभी से इस गाने को बड़ी प्यार दुलार आशीर्वाद मिला है इस होली में। अच्छा, अवधेश प्रेमी यादव जी का एक भोजपुरी का ऐसा गाना है जो गाना लगभग ना बजे तो शादी सफल ही नहीं होता है, दोनों इंडिकेटर। गाना तो एकदम मतलब चारों तरफ बड़े बड़े मतलब जगहों पे, बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े फंक्शन में वो गाना बजता है और लगभग 500-550 मिलियन के करीब में वो व्यूज है और बहुत ही अच्छा गाना था और मतलब आइटम सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा लेवल का गाना था वो। अरे दाएं वोरी बाएं के हिले तो लागे बेटा यार, अरे दाएं वोरी बाएं के हिले तो लागे बेटर, हई तोर दोनों इंडिकेटर, हई तोर दोनों इंडिकेटर, हाय रे दोनों इंडिकेटर, तेरे दो दो इंडिकेटर। अच्छा, इस गाने को जब बना रहे थे उस समय उम्मीद था कि ये गाने को ऑडियंस इतना प्यार देगा कि ये भोजपुरी का समझिए कि ये गाना अमर हो जाएगा? देखिए, जब हम लोग बना रहे थे और शूट कर रहे थे तो उम्मीद इतना नहीं था, इतना तो नहीं था, जितना हो गया तो सब भोजप्रिया परिवार का, भोजप्रिया दर्शक का प्यार दुलार स्नेह है इस गाने को, इतना ब्लॉकबस्टर वो लोग बनाया। अच्छा, अवधेश प्रेमी यादव जी फिल्म में बड़े पर्दे पे जो है कब तक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी अब कोई फिल्म जो है लगभग आपका रिलीज भी हुआ, ऑडियंस ने देखा भी, बड़े पर्दे पे आपके जो फैंस है वो देखना चाहते हैं, कब लेकर क्या रहे? फिल्म अभी पेंडिंग में है, एक जैसे हम लोग पीवा हिंदुस्तानी फिल्म की है तो अभी तो थोड़ा डिजिटल जमाना, बीच में कोरोना को लेकर थोड़ा सिनेमा हॉल का भी स्थिति हो गया था और बहुत जगह तो सिनेमा हॉल ऐसा है कि मतलब टूट के उसमें किराना दुकान खुल गया। आज के डेट में अब सारा यूट्यूब का जमाना और डिजिटल जमाना हो गया तो हम लोग उस समय शूट किए, फिल्म बनाए तो कोरोना का वो माहौल आ गया सारे सिनेमा हॉल, तो उसको हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब पे हम लोग रिलीज किए, तभी भी लगभग 6-7 मिलियन के करीब में फिल्म, और 7 मिलियन फिल्म मतलब बहुत मायने रखता है, फिल्म है 2.5-3 घंटे का फिल्म, बहुत प्यार मिला पब्लिक से। और भी फिल्म है जैसे डायन फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म हम लोग ने बनाया था जिसको लेकर कुछ अभी थोड़ा उसमें कुछ लुच्चा है, नहीं नहीं फिल्म बन गया है, सारे चीज़ों के हैं मतलब डायरेक्टर और मतलब प्रोड्यूसर के बीच कुछ ऐसा चीज़ है इसके लेकर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, हाँ लेकिन फिल्म बहुत ज़बरदस्त और उसको भी मतलब कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको किया जाए और उसको कोशिश है कि जो है ना सिनेमा घर में ऐसे हम लोग फिल्म को रिलीज करें, यानी कि डायन मूवी जो है बहुत जल्द जो है हो सके तो सिनेमा घर में नजर आ सकता है। एकदम जल्द इन्फॉर्म हम लोग करेंगे सोशल मीडिया से, जल्द हम लोग बताएंगे कि कब उसको रिलीज किया। अभी गाने को लेकर के कौन कौन सा बड़े पैमाने पे जो है प्लानिंग चल रहा है एक से बढ़ के एक आने वाले? गाने तो अभी होली का ही आया है और लोकगीत का जबरदस्त गाने, जैसे अभी मैंने बताया कि बजाओ भोजपुरी चैनल एक जो लॉन्च हो रहा है हमारे पटना से, उस चैनल से भी बहुत ज़बरदस्त गाने आ रहे हैं और बहुत सारे कंपनी है, वेब म्यूजिक हुआ, अपना पर्सनल हुआ, अवधेश प्रेमी ऑफिशियल से आते हैं, इंटरटेनमेंट से आता है, उसके बाद ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन से गाना आ रहा है, तरह तरह सभी कंपनियों से गाना आ रहा है, त्रिमूर्ति से आता है, अपना DIC हुआ, बिहारी हुआ, सभी तरह मतलब जितने भी चैनल सब है सभी से गाने आ रहे हैं, अलग अलग एकदम कैटेगरीज के सभी तरह का गाना आ रहा है। अच्छा, अवधेश प्रेमी यादव जी इतना प्यारा गाते हैं कि लगभग आपके तो लाखों नहीं करोड़ों में चाहने वाले हैं, तो चाहेंगे पवन सिंह जी के लिए चुनाव पर एक गाना दो लाइन। चुनाव पे हम क्या गाना गाएं, चुनाव का कोई गाना तो मतलब हमको वो नहीं है, लेकिन इतना है कि बड़े भैया हैं जहाँ से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग का एकदम मतलब दुआ है कि आप जीते, जो भी भाई लड़े बस हम लोग यही चाहेंगे कि आप विजयी हो। अच्छा, अवधेश प्रेमी यादव जी के जीवन का सबसे पहला गाना कौन सा ऐसा था
जिसको बनाने में सबसे कम समय में सबसे कम मेहनत लगा और वो गाना मार्केट में सबसे बड़ा सुपर डुपर हिट साबित हुआ। देखिए गाने तो हम लगभग 2013 से गा रहे हैं, 2013 से इस लाइन में। पहले मैंने बहुत गाने बनाए, लगभग समझिए कि उस समय इतना स्टूडियो नहीं था, मतलब हम मोतिहारी से हैं, मोतिहारी और उधर समझ लीजिए कि एक सिर्फ मुजफ्फरपुर में एक स्टूडियो था, उतने पूरा एक प्रवीण भैया का स्टूडियो था कालिका मूवीज़ के नाम से, कालिका स्टूडियो, हाँ कालिका मूवीज़ स्टूडियो, वहीं पे हम लोग जाके मतलब उस समय वो मास्टर कैसेट बना के देते थे, मेमोरी मोरी में डलाता था। यानी कि अवधेश प्रेमी जी मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जाते थे? मुजफ्फरपुर जाते थे, मतलब समझिए कि मोतिहारी में तो ये सब तर्क मतलब स्टूडियो का नाम निशान नहीं था, सिर्फ वहाँ एक स्टूडियो था, वहाँ गए हम लोग गाना वाना बनाए तो इतना ना मतलब समझिए कि 200-250 गायक का उसमें भीड़ लग रहता था, नंबर में रहता था लोग कि भाई 4 बजे भोर में नंबर आएगा, 5 बजे भोर में चिवड़ा दल बूट खा के उसी में सोते थे, वही गाना बनाते थे, वही गाना गाते होते थे हम लोग, वहीं से मतलब स्टार्ट किए, बहुत सारे गाने बनाए मतलब कोई रिस्पांस नहीं, लेकिन बनाते 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 ऐसे गाना का एक जो है गाना हम गाए थे कि जब बिहार में दारू बंद हुआ था उस समय, अरे किसैया दारू पी के हुई है कौन हाल में भातार बा नेपाल में सखी, ये गाना बना थी। इस गाने को मतलब कहीं कहीं बाजा, ये गाना उतना बड़े लेवल पे नहीं बाजा, नाच ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा इस समय बाजा, उसके बाद करते गए करते गए, तो जब हम लोग जितने गाने किए कि साइलेंसर वलेंसर जितने एकदम पूरा गाने ब्लॉकबस्टर रहा उस समय से एकदम अभी तक का दौर चलते आ रहा है। अच्छा अवधेश प्रेमी जी इतना सिंपल लाइफ जो है कैसे जी लेते हैं, क्योंकि अक्सर करके देखते हैं कि जो जिनका गाना लगभग मार्केट में 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन चला जाता है तो वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं। अवधेश प्रेमी यादव जी का इतना गाना बसता है, अगर देखा जाए तो महीना में 10 गो ऐसा गाना होगा जो 10 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन चला जाता है, लेकिन फिर भी इतना सिंपल लाइफ जीते हैं जो ऑडियंस देख करके एकदम हैरत में। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि हम अपने काम पे बहुत फोकस करते हैं और काम में बहुत मेहनत लगाते हैं, दर दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे बहुत हम दूर रहते हैं, हम चाहते हैं ना कि हम अपने जो जीवन है उससे जुड़ के रहें और हमको क्या करना है बस उसी से हमको लगाव रहे, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है उससे मतलब मेरे को नहीं रहता, और मैं मतलब ज़्यादा दिखावा नहीं करता हूँ, मैं एकदम सिंपल लाइफ जिंदगी जीता हूँ, पब्लिक का प्यार मिलता है इसी में खुश रहता हूँ, 9-6 में ना रहता हूँ, यही तो प्रॉब्लम। आप पर एक कहावत एकदम सटीक बैठता है, काम इतना खामोशी से करेंगे कि कामयाबी शोर मचा देगा, हमको हमें खुद को शोर मचाने की जरूरत नहीं। यही एकदम राइट, तो हम बस काम पे फोकस करते हैं। अंततः अपने फैंस को क्या कहेंगे, क्योंकि लगभग 2 बजे रात में जो है ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है, अंततः क्या रिक्वेस्ट है? अपने दर्शक को यही कहेंगे कि हम लोग देखिए 2-3 बजे तक शूट कर रहे हैं और ये सब आप लोग के पास से हम लोग को ऊर्जा आता है कि इतने रात रात तक जग के और हम लोग गाने बनाते हैं शूट करते हैं बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद पाने के लिए, और ये सब ऊर्जा आप लोग के पास से आता है, आप लोग का आशीर्वाद प्यार ही हम लोग के लिए ऊर्जा है, तो गाने आ रहे हैं ज़बरदस्त गाने आ रहे हैं, अभी जो गाने शूट किया हूँ वो बजाओ भोजपुरी चैनल का गाना है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें कमेंट करें, और स्टार न्यूज मेरे बहुत ही प्यारे भाई आए हैं चल के पटना से आए हुए हैं दिल्ली में, भाई को तहे दिल से लव यू थैंक यू कि आप यहाँ तक आए, यही भाईचारा है एकदम, और कहीं ना कहीं अच्छा लगता है मिलजुल कर, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम क्या है ना कि हम एक बार कह दिए ना कि मतलब हम एक अलग तरीके के मतलब बच्चा है, अभी तो बहुत बच्चे हैं हम, अलग तरह के इंसान हैं हम, तो हमको एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, कोई भाई आए और हमसे मिले बैठकर बात विचार हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो भाई आए स्टार न्यूज चैनल है इनका, आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दुलार दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए जितना हमको आप लोग देते हैं। भैया आपने इतने बिजी शेड्यूल में रात को 2 बजे हमें इतना समय दिया 20 मिनट का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लव यू। तो चलिए दोस्तों ये थे हमारे साथ अवधेश प्रेमी यादव जी, इनके बातों से आप कितने सहमत है दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना राय जोड़ दीजिएगा। चलिए मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग स्टार न्यूज़ देख रहे थे।